सभी को नमस्कार। मैं सुनीता कुमारी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। पिछले वीडियो में हम गोवर्धन दास का चरित्र चित्रण पढ़ चुके हैं। उससे पहले हमने महंत जी का चरित्र चित्रण पढ़ा था। नाटक के प्रमुख तीन ही पात्र माने गए हैं, महंत जी, गोवर्धन दास और चौपट राजा। आज हम चौपट राजा का चरित्र चित्रण पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने चौपट राजा के माध्यम से तत्कालीन रजवाड़ों के शासकों के चरित्र को अतिरंजित और अस्वाभाविक ढंग से प्रकट करने का प्रयास अंधेर नगरी में किया है। बिहार के किसी रजवाड़े को संकेत करके चौपट राजा के चरित्र को गढ़ा गया है कि चौपट राजा का चरित्र किस प्रकार का है, जिसके द्वारा वह तत्कालीन कुछ मूर्ख शासकों की मूढ़ता, दुराचरण, नशे की प्रवृत्ति, विवेकहीनता, अन्याय, दंड विधान, सनकी और झक्की स्वभाव को प्रकट कर सके। इसके माध्यम से अंग्रेजी शासन के भ्रष्ट व्यवहार, अन्याय, शासन व्यवस्था आदि को भी प्रतीकात्मक शिकार बनाया गया है। यानी चौपट राजा के माध्यम से ही अंग्रेजी शासन किस तरह से, अंग्रेजी शासक जो थे वो किस तरह से भ्रष्ट व्यवहार करते थे, किस तरह से उनकी अन्याय व्यवस्था जो थी वो गलत थी, इसका प्रतीकात्मक वर्णन यहाँ किया गया है। चौपट राजा वर्ग पात्र है, इसलिए अपने वर्ग को अन्य लोगों की अच्छी बुरी आदतों और स्वभाव को प्रकट करने का वही आधार है। वही इस नाटक का मुख्य पात्र है और उसी की गतिविधियों को प्रकट करने के लिए इसकी कल्पना की गई है। नाटक के आधार पर चौपट राजा की चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है विवेकहीनता, दूसरी है नशेबाज, तीसरी है निर्णय विहीनता, चौथी है अव्यवहारिकता, पांचवी है अव्यवस्था, छठी है अशिष्टता, सातवीं है डरपोक और आठवीं है अंधविश्वासी। इस तरह से चौपट राजा की चारित्रिक विशेषताएं हैं। हम सबसे पहले कि उनकी विवेकहीनता जो चारित्रिक विशेषता है उसको पढ़ेंगे कि किस तरह से चौपट राजा में विवेक नहीं था। चौपट राजा मूर्ख है, विवेकहीन है तथा उसमें सामान्य स्तर की बुद्धि का भी अभाव है। वह किसी भी प्रकार से सामान्य नहीं है। उसे अच्छे बुरे, पाप पुण्य, दोषी निर्दोषी, अपने प्राय का ज्ञान नहीं है। बिल्कुल भी उसे किसी तरह का ज्ञान नहीं है। उसे जो कुछ भी कोई दूसरा व्यक्ति कह देता है वह उसे मान लेता है। यानी कि राजा में खुद में कोई विवेक नहीं है, जो कुछ दूसरा व्यक्ति बोल देता है उसको ही वो मान बैठता है। वह हर बात पर दूसरों की बुद्धि का सहारा लेता है। कल्लू बनिए की दीवार गिरने से किसी व्यक्ति की बकरी उसके नीचे कुचली गई और मर गई। इस नाटक में यही बताया गया था कि कल्लू बनिया था, उसकी दीवार गिर गई। दीवार गिरने से किसी व्यक्ति की बकरी उसके नीचे आ गई और कुचल गई और मर गई। मंदबुद्धि राजा दीवार को ही दरबार में पेश करने का आदेश देता है। मतलब उस राजा में बिल्कुल भी विवेक नहीं है और बिल्कुल मंदबुद्धि है। वो कहता है कि दीवार को ही दरबार में पेश करो। दीवार के भाई, पुत्र, दोस्त और सगे संबंधियों को वह वहाँ बुलाना चाहता है। यानी उसमें बिल्कुल भी विवेक नहीं है। इसी संदर्भ में वह कल्लू बनिए, कारीगर, चुनने वाला, बिस्ती, कसाई और कोतवाल को दरबार में बुलाया जाता है और निरपराध कोतवाल को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, क्योंकि सभी अपना अपना अपराध दूसरों के सिर पर मढ़ते जाते हैं। मूर्ख और अविवेकी राजा अपनी मूर्खता का परिचय देते हुए अंत में स्वयं फांसी के फंदे पर जा खड़ा होता है, ताकि वह उस घड़ी मृत्यु प्राप्त
कर स्वर्ग में जा सके। यानी कि वो बिल्कुल ही मूर्ख है और अविवेकी है, और मूर्खता का परिचय देते ही अंत में स्वयं ही फांसी के फंदे पर जा खड़ा होता है। ये तब होता है जब गोवर्धन दास के गुरु महंत जी आकर के दोनों आपस में लड़ने लगते हैं कि फांसी मुझे होनी चाहिए। तब वो पूछता है, तब वो कहते हैं गुरु जी कि ये ऐसा संयोग है कि इस समय जिसकी फांसी होगी वो स्वर्ग में जाएगा, और मूर्ख राजा ऐसा कुछ मान करके स्वयं ही फांसी के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा उसका नसेबाज होना बताया गया है, यानी उसकी चारित्रिक विशेषता है नसेबाज। चौपट राजा नशे करने वाला व्यक्ति है। नशे में चूर होने की अवस्था में उसे कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सूझता है, वो पूरे टाइम नशे में चूर रहता है। दरबार में वह नशे की अवस्था में ही विराजमान है, तब भी बार बार शराब पीना चाहता है। राजसभा में जब एक नौकर उसे पान देना चाहता है तो नशे के कारण वह नहीं समझ पाता कि वह क्या चाहता है। नशा मानव बुद्धि को कुंठित कर देता है। इस अवस्था में उसकी इंद्रियां ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती हैं। वह कहना कुछ चाहता है और कहता कुछ है। शराब के नशे में चौपट राजा बकरी को बरकी, लड़की, कुबरी आदि नामों से पुकारता है। वह कल्लू को मल्लू कहता है तो चुनने वाले को चुन्नी लाल और खैर सोपाड़ी चुनने वाला कहकर पुकारता है। कहने का मतलब है कि वो शराब के नशे में बिल्कुल चूर चूर ही रहता है, उसे किसी भी प्रकार का अच्छा बुरा कुछ दिखाई नहीं देता है। कहीं कहीं तो वह पूरा पूरा वाक्य गलत बोल जाता है क्योंकि नशे ने उसकी बुद्धि कुंठित कर दी है। जैसे कुछ पंक्तियां यहाँ दी गई हैं, क्यों बे भिस्ती गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इस बकरी पर गिर पड़ी और दीवार दब गई, इस तरह से वो बोल जाता है। दूसरा है उसका, कयो बे कोतवाल तेने सवारी ऐसे धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। तो इस तरह के वो नशे में इस तरह के वाक्य वो बोल जाता है। अब उनकी अगली चारित्रिक विशेषता है निर्णय विहीनता। वो निर्णय लेने में सफल नहीं होता, वो निर्णय नहीं ले पाता है। चौपट राजा मूर्ख है और उसकी अपनी बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए वह मंत्रियों के हाथ की कठपुतली है। वह उसे जैसे नचाना चाहते हैं वह वैसे ही नाचता है, यानी उसमें खुद का स्वविवेक नहीं है। मंत्री जो उसे करवाते हैं वो करने के लिए तैयार रहता है। मंत्री के मुख से निकली बात ही वह पूरी करता है। नाटक में गडरिये की बात सुनकर जब मंत्री को लगता है कि मूर्ख राजा सारे नगर को ही कहीं फूंक देने या फांसी पर लटका देने का आदेश न दे दे, तो उसका पूरा ध्यान कोतवाल की ओर मोड़ देता है, जिस कारण कोतवाल को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है। यानी कहने का मतलब है कि राजा में निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। राजा व्यवहारिक भी नहीं था। उनकी अगली चारित्रिक विशेषता है अव्यवहारिकता। राजा चौपट पूर्ण रूप से अव्यवहारिक है। वह नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह उल्टी सीधी बातें करता है, तर्कहीन संवाद रचता है, मूर्खों से चेष्टाएं करता है, यानी कि वो संवाद भी तर्कहीन देता है। मूर्ख जिस तरह की चेष्टा करते हैं उस तरह की करता है, उल्टी और सीधी बातें करता रहता है। तरह तरह की मुख मुद्राएं बनाता है। अपने अव्यवहार कुशलता के कारण ही वह स्वयं को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर देता है। उसके व्यवहार और स्वभाव को कोई नहीं समझता है, बिल्कुल उसका स्वभाव है वो किसी के भी समझ में नहीं आता है। फिर है अव्यवस्था। किसी भी राज्य में राजा को ही न्याय अन्याय का निर्णय करना होता है, लेकिन चौपट राजा को न्याय अन्याय की कोई समझ नहीं है। यानी कि
राजा है वो बिल्कुल अव्यवस्थित है और उसे राजा ही सब कुछ करता है, लेकिन राजा को कि क्या सही है और क्या गलत है इसकी समझ बिल्कुल भी नहीं है। एक तो वह मूर्ख है और दूसरा सदा शराब के नशे में चूर रहता है। तो इसके लिए एक लोकोक्ति है, एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा, यानी एक दोस्त तो है ही और उसके बाद में दूसरा दोस्त भी उसमें विद्यमान है, यानी वो मूर्ख तो है ही है और ऊपर से वो शराब के नशे में भी चूर रहता है। बकरी मरी दीवार गिरने से और फांसी की सजा सुनाई गई कोतवाल को। कोतवाल को इसलिए छोड़ दिया गया कि उसकी गर्दन पतली है। इसमें यही था कि बकरी मर गई, कैसे मरी, फिर उससे संबंधित कौन था, इस तरह से फांसी की सजा एक दूसरे को सुनाई जाती है और कोतवाल को फांसी दी जा रही थी उस समय उसको इसलिए छोड़ दिया जाता है कि जो फांसी का फंदा बनता है वो बड़ा बन जाता है। तब ये कहा जाता है कि फांसी के फंदे में जिस व्यक्ति की गर्दन आए उस व्यक्ति को फांसी होनी चाहिए, इसलिए गोवर्धन दास को फांसी देने के लिए वो लोग तैयार हो जाते हैं और कोतवाल को छोड़ देते हैं क्योंकि उसकी गर्दन पतली है। जो फांसी के फंदे में नहीं आती और बेकसूर गोवर्धन दास को फांसी पर इसलिए लटकाने का निर्णय किया गया क्योंकि उसकी गर्दन मोटी है, यानी कि वहाँ किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है, सजा है वो अपराध के आधार पे नहीं दी जा रही है और फंदे में पूरी आ जाती है। नगर के लोग उसकी न्याय व्यवस्था से सदा डरते रहते थे क्योंकि कोई नहीं जानता था कि कब उन पर मुसीबत आ जाए। एक पैदा गोवर्धन दास को इस विषय में कहता है, नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता ही नहीं, चौपट राजा का न्याय किसी भी प्रकार से ठीक नहीं है। तो यानी कि वहाँ किसी भी प्रकार की किसी भी व्यवस्था नहीं थी। अब उनकी अगली चारित्रिक विशेषता है अशिष्टता। राजा शिष्ट भी नहीं था, वो बिल्कुल अशिष्ट था। चौपट राजा को छोटी छोटी बात पर अकारण गाली देने की आदत है। गुस्से में ही नहीं बल्कि सामान्य और सहज स्थिति में भी वह गाली देता रहता है, यानी कि उसका व्यवहार है वो शिष्ट न होकर अशिष्ट है। वो बिना नशे ही गाली देता रहता है, गाली देना उसकी आदत में शुमार है। अपने नौकर को वह दुष्ट, लुच्चा, पाजी आदि गालियां देता है जबकि उसका दोस्त नहीं था। बिना किसी कारण वह उसे कोड़ों की सजा सुना देता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजा का जो व्यवहार है बिल्कुल ही अशिष्ट था। फिर अगली चारित्रिक विशेषता है डरपोक। राजा निडर नहीं है और वो भय से ग्रस्त रहता है, इसलिए वह डरपोक है। चौपट राजा बहुत डरपोक है, वह तो अपने साये से भी डरने वाला है। राज्यसभा में जब एक सेवक ने उसे चिल्लाकर कहा था, पान खाइए महाराज, तो वह ये समझकर सुपन खा आई है अपना सिंहासन छोड़कर भाग खड़ा हुआ था और मंत्री ने उसे समझा कर वापस उसके स्थान पर बैठाया था, यानी राजा बिल्कुल डरपोक है। अगली उनकी चारित्रिक विशेषता है कि राजा अंधविश्वासी भी है। चौपट राजा अंधविश्वासी है। अंधविश्वास के कारण ही वह फांसी के फंदे पर अपनी इच्छा से चला गया था। महंत जी द्वारा बताई गई शुभ घड़ी में मृत्यु को प्राप्त कर कि वह बैकुंठ की कामना करता है और मंत्री, कोतवाल आदि से स्पष्ट शब्दों में कह देता है, चुप रहो सब लोग, राजा के आच्छत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। यानी राजा पूर्णतः ही अंधविश्वासी है। जब गोवर्धन दास को फांसी दी जा रही थी क्योंकि फांसी का फंदा बड़ा बन गया था और गोवर्धन दास की गर्दन मोटी थी, उस फंदे के अनुकूल थी, लेकिन जब गोवर्धन दास को अचानक से याद आया कि अब मैं तो फंस गया, मुझे इस अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहिए था, तब उसने गुरु को याद किया और महंत जी उसी क्षण आए और उन्होंने इस तरह का एक
नाटक रचा कि फांसी की सजा, दोनों लड़ने लग गए गोवर्धन दास और महेंद्र जी कि फांसी की सजा मुझे होनी चाहिए, मुझे होनी चाहिए। तब उस महेंद्र जी ने कहा कि ये एक ऐसी शुभ घड़ी है, इस पे जो फांसी की पर चढ़ेगा वो सीधा बैकुंठ जाएगा। तो इस अंधविश्वास को मान करके राजा खुद ही फांसी पर अपनी स्वेच्छा से चढ़ना चाहता है। तो इस तरह की चारित्रिक विशेषताएं राजा की थी। राजा अंधविश्वासी था, डरपोक भी था, उसका आचरण अशिष्ट था, अव्यवस्था से ग्रसित था, अव्यवहारिक था, निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं था, यानी उसमें निर्णय की निर्णय विहीनता विद्यमान थी। राजा नशेबाज भी था और राजा में विवेकहीनता भी विद्यमान थी। वास्तव में राजा चौपट, मूर्ख और अविवेक है, जिस कारण अन्य सभी दुर्गुण उसमें अपने आप ही आ मिले। उसे किसी भी प्रकार समाज के लिए उपयोगी पात्र नहीं माना जा सकता। उसकी सृष्टि तो मात्र विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ही की गई है। इस तरह से हमने आज अंधेर नगरी नाटक के आधार पर चौपट राजा के चरित्र चित्रण को पढ़ लिया है।